हेलो नमस्कार दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक में आप सभी के फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मोहित। दोस्तों जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज के रिगार्डिंग है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी अपने आईफोन का बैकअप लेना चाहते हैं अपने पीसी में, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों कई बार ना चाहते हुए भी हमें अपने आईफोन को रिस्टोर करना पड़ जाता है, लेकिन उस केस में आपका जितना भी आईफोन का डेटा होता है वो सारा का सारा लूज हो जाता है। लाइक आपका व्हाट्सएप डेटा, आपका टेक्स्ट मैसेजेस, एप्लीकेशन डेटा, आपकी इमेजेस, सारी की सारी खो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने आईफोन का बैकअप अपने ही पीसी में ले सकते हैं। आप पीसी में भी ले सकते हैं और आईक्लाउड में भी ले सकते हैं। यदि दोस्तों आप आईक्लाउड में आईफोन का बैकअप लेने जाओगे तो वहां पर आपका डेटा भी खर्च होगा। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका डेटा ना लगे और जो आपके आईफोन का बैकअप है वो आपके पीसी में आ जाए, तो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस केस में आपको सिर्फ एक अपडेटेड आईट्यून सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, और ये जो सॉफ्टवेयर है आप एप्पल की अथोराइज साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आईट्यून डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है और अपने आईफोन को पीसी के साथ में कनेक्ट कर देना है और उसके बाद में अपने आईट्यून सॉफ्टवेयर को रन कर लेना है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आईट्यून का कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा और आपको इधर ऊपर की तरफ आईफोन के आइकन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आईफोन पर क्लिक कर देने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज खुल के सामने आएगा और इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों नीचे की तरफ आपको बैकअप्स लिखा दिखाई देगा। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि जो आपके आईफोन का बैकअप है वो आईक्लाउड पर स्टोर हो जाए, तो आपको कुछ नहीं सिर्फ बैकअप नाउ पर क्लिक करना है। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके आईफोन का जो बैकअप है वो इसी कंप्यूटर में स्टोर हो जाए, तो दोस्तों आपको दिस कंप्यूटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि जो आपके आईफोन का बैकअप है वो एनक्रिप्टेड हो जाए, बोले तो लॉक लग जाए, तो आपको एनक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो टाइप कर देना है। यदि आप चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं चाहते, आप इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, आप सिंपली बैकअप चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं सिर्फ बैकअप नाउ पर क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बैकिंग चालू हो गई है और यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा ना टाइम लगता है। आपके पूरे आईफोन का बैकअप जितना भी है वो सारा का सारा आपके पीसी में ट्रांसफर होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और वो बैकअप चाहे फिर कुछ भी हो, आपकी इमेजेस हो, आपकी एप्लीकेशंस हो, आपकी एप्लीकेशन का डेटा हो, लाइक आपके टेक्स्ट मैसेजेस हो, आपकी व्हाट्सएप की जितनी भी चैटिंग होगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन में आ जाएंगी। दोस्तों क्या होता है कि जब आप अपने फोन को फॉर्मेट कर देते हैं और आपकी व्हाट्सएप की कुछ चैट होती है या फिर कुछ फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाती हैं, या फिर आपकी ईमेल होती है वो सारे के सारे लूज हो जाते हैं, जो भी आपका डेटा होता है वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है। लेकिन यदि आप अपने आईफोन का बैकअप ले लेते हैं अपने पीसी में और अपने फोन को रिस्टोर करने के बाद आप रिस्टोर बैकअप पर क्लिक करते हैं, तो जितना भी आपका जो भी पहले डेटा था वो सारा का सारा आपके आईफोन में एज इट इज आ जाएगा। लाइक आपने जो भी एप्लीकेशन डाली होगी वो सारी के सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जितना भी आपके आईफोन का बैकअप था वो सारा का सारा आपके पीसी में स्टोर हो गया है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको एडिट पर क्लिक करना है, प्रेफरेंस में आना है। प्रेफरेंस में आने के बाद आपको डिवाइस टैब पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मोहित आईफोन टूडेज 8:52 दिखा रहा है, ये जो आपके फ़ोन का डेटा है बैकअप है वो आपके पीसी में स्टोर हो गया है। और दोस्तों आपका फोन जब सक्सेसफुली रिस्टोर हो जाए, फॉर्मेट हो जाने के बाद आप अपने फोन का बैकअप जो भी आपका पुराना डेटा था, व्हाट्सएप चैट, फेसबुक चैट एंड आपके फोन की टेक्स्ट मैसेजेस, वो सारी की सारी आपके फोन में दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगी, एज वेल एज जितनी भी आपके फोन की एप्लीकेशन थी वो सारी की सारी आपके फोन में दोबारा से इंस्टॉल हो जाएंगी और इसमें आपको कोई डेटा भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।